भूल करेक्टर कॉम्बिनेशन लेके गेम में जाते हैं, उनका माइनस लग जाता है, देन वो अपने आप को सोचते हैं हम नूब है भाई, हम लोग कभी ग्रैंड मास्टर अचीव नहीं कर पाएंगे। सो नहीं भाई लोग, आप लोग भी प्रो हो, बस आप लोगों का जो करेक्टर कॉम्बिनेशन है ना वो थोड़ा सा बिखरा हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का करेक्टर कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट कर देने वाला हूँ, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक ही करेक्टर कॉम्बिनेशन बताया है जो कि आप लोग इस पूरे सीजन को अगर लेके खेलते हो ना तो लिटरली आप लोग का भी हर एक मैच प्लस लगने वाला है, बिकॉज इस वाले करेक्टर कॉम्बिनेशन में मैं आप लोग को रशिंग करेक्टर कॉम्बिनेशन, देन उसी के साथ साथ मैं आप लोग का सर्वाइविंग करेक्टर कॉम्बिनेशन, देन उसी के साथ साथ व्हीकल सर्वाइविंग का भी करेक्टर कॉम्बिनेशन सब कुछ एक ही करेक्टर में मैं फिक्स करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। 2-in-1 का फायदा है इस वीडियो के अंदर, आप लोग सिर्फ एक ही करेक्टर कॉम्बिनेशन, इसमें 10-12 करेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने शेयर नहीं किया है, सिर्फ एक ही करेक्टर कॉम्बिनेशन शेयर किया है। आप लोग अगर इस वाले करेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करते हो ना तो लिटरली आप लोग भी इजिली ग्रैंड मास्टर अचीव कर सकते हो इस वाले करेक्टर कॉम्बिनेशन से। सो आप लोग इस वाली वीडियो को एंड तक वॉच करो, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, बिकॉज अगर आप वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप करते हो ना तो आप लोग बहुत ही ज्यादा नोटिफिकेशन वगैरह को मिस कर दोगे, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और उसी के साथ साथ अगर अब तक अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो में कमेंट नहीं किया तो प्लीज भाई लोग हमारे इस वीडियो में कमेंट भी कर लेना, और चैनल पे नया आ रहा है तो चैनल को कभी विजिट नहीं किया तो पहली बार आप लोगों ने हमारे चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में लगा नोटिफिकेशन बेल को पे ऑल पे जरूर से सेट कर लेना, बिकॉज हमारे फ्री फायर से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पे आगे भी मिलते रहेगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने इतने सारे काम अपने भाई के लिए पहले से कंप्लीट करके रखा है, सो देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सो गाइस दिस इज माय ओन करेक्टर कॉम्बिनेशन जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक्टिव करेक्टर में यूज करता हूँ के करेक्टर का, देन उसी के पैसिव स्किल में मैं यूज करता हूँ शीरो का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमारे एक्टिव में के आप लोग को ऑलवेज देखने को मिलेगा हर एक सीजन, देन उसी के साथ साथ यहाँ पर पैसिव भी स्किल में सबसे पहले आप लोग को शीरो देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आप लोग को शीरो का एबिलिटी बता देता हूँ, जो शीरो का एबिलिटी है वो मैं आप लोग को मुंह से नहीं बताता हूँ, चलो मैं आप लोग को डायरेक्टली वीडियो क्लिप के थ्रू दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं अपने शीरो भैया के बारे में, जो शीरो भैया है ना हमारा वो मोको दीदी का भाई है तो उनको शीरो भैया हम लोग बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एनिमी हमारे ऊपर रश किया, देन उसके सर के ऊपर अभी देखो एक एरो आ गया है जैसे ही उसने मुझे गोली फायर किया, तो इस वाले एरो की वजह से मैं नेविगेट होते रहा कि एनिमी कौन से साइड से आ रहा है, देन मैंने उसको इजिली आराम से फिनिश कर दिया बिकॉज मुझे पता चल रहा था नेविगेट हो रहा था मैं कि एनिमी कौन से साइड से आ रहा है। देन अगर आप लोग को भी पहले ही पता चल जाए कि एनिमी कौन से साइड से आ रहा है देन इजिली आप लोग भी एनिमी को फिनिश कर सकते हो। तो आप लोग को ऑलवेज क्या करना है, अपने करेक्टर कॉम्बिनेशन में के साथ साथ आप लोग को अपना जो शीरो भैया है उनको लेके आना है। शीरो भैया बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, अगर आप लोग रश वगैरह कर रहे हो किसी एनिमी के ऊपर या कोई एनिमी अगर आपको साइलेंशर लगा के दूर से मार रहा है ना तो आप लोग को इजिली उसका लोकेशन पता चल जाने वाला है इस वाले करेक्टर से। तो आप लोग हमारा जो शीरो भैया है उसको लेके आना अपने बियर एंड करेक्टर कॉम्बिनेशन में। सो यहाँ पर देखो एक और एनिमी था यहाँ पर, और इस एनिमी ने मुझको डैमेज दिया, देन इस एनिमी ने जैसे ही मुझको यहाँ पर डैमेज दिया देखो उसके शर्ट के ऊपर एक एरो आ जाता है, देन इस एरो की वजह से मुझे पता चलते रहा है कि वो एनिमी कौन कौन से पोजीशन पे जा रहा है, देन मैंने उसको इजिली यहाँ पर खत्म कर दिया। सो आप लोगों ने देखा हमारा शीरो भैया का एबिलिटी। सो गाइस दिस इज माय सेकंड नंबर पैसिव स्किल जो कि है हमारा मीसा करेक्टर जो कि मैं हरदम यूज करता हूँ। मीसा करेक्टर का क्या यूज है, मीसा करेक्टर का यूज बहुत ही ज्यादा व्हीकल सर्वाइविंग में है, जब भी हम व्हीकल सर्वाइविंग करते हैं तब मीसा करेक्टर का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो इसकी भी जो एबिलिटी इसके भी टेस्टिंग हम लोग वीडियो क्लिप के थ्रू करने वाले हैं, बिकॉज मुंह से मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता, तो चलो अभी हम लोग आपको वीडियो क्लिप में दिखाते हैं। तो गाइस मेरे हर एक वीडियो में हर बंदा ये कमेंट करता है कि भाई आप कार से इतना अच्छा सर्वाइविंग कैसे कर लेते हो, सो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। कार से मैं सर्वाइविंग इसलिए अच्छे से कर पाता हूँ बिकॉज मैं मीसा करेक्टर का यूज करता हूँ। तो अभी के टाइम में 90% जो बंदे हैं ना वो मीसा करेक्टर का यूज करता है ग्रैंड मास्टर प्लेयर, बिकॉज ग्रैंड मास्टर प्लेयर को हरदम वो देखना आप लोग कार से वो लोग सर्वाइव करते रहता है, बिकॉज मीसा करेक्टर जो है ना अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हो और कोई भी एनिमी अगर आपको डैमेज देता है तो आप लोग को डैमेज एकदम से ना के बराबर पड़ने वाला है, मतलब पड़ने ही नहीं वाला है। देखो यहाँ पर एक टावर में एनिमी था, देन वो मुझके ऊपर मेरे ऊपर फायर करता है, देन हमारा गाड़ी का जो हेल्थ है वो तो कम जाता है बट हमारा जो हेल्थ है वो एकदम से नहीं कमता है बिकॉज हमारे पास मीसा करेक्टर है। सो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मीसा करेक्टर क्या काम करता है, मीसा करेक्टर आप लोगों का जो ड्राइविंग स्किल है उसको इंक्रीज करता है, देन उसी के साथ साथ ना आप लोगों का जो डैमेज है उसको रिड्यूस कर सकता है, मतलब आप लोगों को डैमेज नहीं लगने देने वाला है आप लोग अगर कार के अंदर जब तक बैठे रहोगे। तो लास्ट जोन में अपना व्हीकल सर्वाइविंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, देन हर एक बंदा ग्रैंड मास्टर का हर एक बंदा मीसा करेक्टर यूज करता है, देन मीसा करेक्टर आप लोग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग मीसा करेक्टर को बिल्कुल से मत भूलना, हर एक गेम के अंदर आप लोग को मीसा करेक्टर का जरूरत पड़ने वाला है। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, गाइज क्या मुझे को लाइव करना चाहिए अपने यूट्यूब
गाइस चैनल पे। एंड देन उसी के साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि गाइस हमारा चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लिटरली भाई दिल से बुरा लगता है ऐसा कुछ होता है, तो प्लीज से भाई लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो। देन उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलो, बिकॉज चैनल को बहुत से बंदे ऐसे है कि वीडियो सिर्फ देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज से भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज से भाई लोग सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। आप लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप लोग को एक क्लिक का काम है, तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। गाइस अभी हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट करेक्टर के बारे में जो कि है मारो। गाइस तो लिटरली भाई लोग मारो भी आप लोग के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी के टाइम में, क्या ही बोलूं आप लोगों को। जो मारो करेक्टर है उसकी एबिलिटी के बारे में आप लोग को ज्यादा बताने का जरूरत नहीं होगा, बिकॉज बहुत से बंदे हैं जो कि अभी के टाइम मारो को यूज करते हैं। जो हमारी मारो की एबिलिटी है ना वो लिटरली कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि अगर कोई भी एनिमी आपसे दूर में कोई भी एनिमी फाइट ले रहा है, देन आपके पास लॉन्ग रेंज का कोई भी गन है, देन लॉन्ग रेंज के गन से अगर आप लोग उसको उस वाले एनिमी को डैमेज दोगे तो आपका जो डैमेज है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो लिटरली गाइज आप लोग को मैं कैसे समझाऊं, एक्सप्लेन दिस, कि अगर आपके पास AWM है एंड देन AWM का एक फटका 150 का पड़ता है, तो अगर आप कोई भी एनिमी को AWM का जो फटका है उसको देना चाहते हो मारो के साथ, और मारो अगर आपके पास है और AWM से अगर आप फायर करते हो, तो सामने वाले एनिमी को आप लोग को 180 से 190 का डैमेज एक गोली में दे सकते हो। एंड देन उसी के साथ साथ सोच लो अगर आपके पास ऑग है, ड्रैको AK है या कुछ भी है आपके पास ना, तो लिटरली बहुत ही अच्छा खासा डैमेज पड़ता है हमारा मारो करेक्टर की वजह से। तो मैं जब भी अगर लॉन्ग में फाइट लेता हूँ तो हमें हरदम मारो करेक्टर का यूज लगता है। तो गाइज ये था हमारा कुछ करेक्टर कॉम्बिनेशन। तो लिटरली गाइज मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे करेक्टर कॉम्बिनेशन इस वीडियो के संग शेयर किया है जो कि आप लोग यूज करके इजिली ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर सकते हो। देन ये करेक्टर कॉम्बिनेशन मैं भी यूज करता हूँ अभी के टाइम पे, एंड उसी के साथ साथ इस करेक्टर कॉम्बिनेशन को बहुत से ग्रैंड मास्टर के प्लेयर भी यूज करते हैं। सो अगर आप लोग भी चाहते हो तो इस करेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो। देन ये करेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा ओपी एंड बहुत ही ज्यादा सेक्सी होने वाला है। सो आप लोग एक बार इस करेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करो, देन उसके बाद मुझको बोलो कि भाई तुमने ये करेक्टर कॉम्बिनेशन किस हिसाब से बनाया था, बिकॉज मैंने इस वाले करेक्टर कॉम्बिनेशन में हर जो सीजन आता है, हर दो महीना में जो सीजन आता है सेशन चेंज होता है। जैसे सेशन 40 में मेरा करेक्टर कॉम्बिनेशन कुछ अलग था, सेशन 39 में करेक्टर कॉम्बिनेशन अलग था, अभी सेशन 41 में कुछ करेक्टर कॉम्बिनेशन अलग है, अगले सीजन और भी अलग होगा। एंड मैं बाकी यूट्यूबर जैसा नहीं हूँ कि मैं 10-15 करेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोग को एक संग शेयर करूँ, एक ही करेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, अच्छा करेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि यूजफुल हो, ऐसा फलकाना ढिकाना वाला करेक्टर कॉम्बिनेशन आपका भाई नहीं बताने वाला है। सो होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आप लोग का एक एक सब्सक्राइब एक एक लाइक लिटरली इतना मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए, मैं क्या ही बोलूं। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाके इंस्टा पे फॉलो करो, और आप लोगों ने तो सारा काम पहले से कंप्लीट किया है ना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, कल एक और न्यू वीडियो के संग हाजिर होंगे इसी चैनल पे इसी वक्त, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जिन वंदे मातरम, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, आसपास का ख्याल रखो और फ्री फायर खेलते रहो।